खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़की चौकी में पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए कपास फसल के बीच बोई गांजे की खेती पकड़ी, जिसमें 130 गांजे के पौधे बरामद हुए, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि किसान आरोपी कैलाश इंदु सिंह भूरिया कपास फसल के बीच भारी पैमाने पर गांजे की खेती कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर खेत से 130 हरे गांजे के पौधे जब्त किए हैं, जबकि करीब 21,14,000 रुपए कीमत गांजे का वजन लगभग 3 क्विंटल बताया जा रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बलवाड़ा के अंतर्गत बाबा चौकी में गांव में जहां पे खेत में गांजे की खेती हुई थी, उसमें से करीब 3 क्विंटल गांजे के पौधे पुलिस ने जब्त किया है। सर, कितने आरोपी पकड़ा है सर ये गांजे के मामले में? एक आरोपी कितनी लागत का गांजा होगा सर? वो लगभग करीब 21 लाख रुपए का। कितनी क्वांटिटी में सर वो? तीन क्विंटल के आसपास ये है, 130 गांजे का। ठीक सर, कौन कौन इसके अंदर इस पूरी टीम को ट्रेस करने में पूरे मामले में? गांजे की कार्रवाई में TI जो बलवाड़ा के साथ उनकी टीम थी, और सर जो ये अपने हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड के अंदर कौन कौन लोग की टीम इसके अंदर रही सर, और कौन कौन से थाने से लोग शामिल थे इसमें? अंदर पूरे जिले के जो इस तरह के काम में माहिर माने जाते हैं, उन सबको शामिल किया था। और एडिशनल SP ग्रामीण जो नितिन कुमार थी, उसमें कैंप की साथ में हमने जो थाना प्रभारी गाँव प्रभाग रावत के वरुण तिवारी सबके साथ साथ हमने साइबर के हमारे दीपक यादव सबको लगाया था, और हमारे काफ़ी अच्छे लड़के भी लगे थे थाने के अच्छे लड़के को हमने लगाया था, और हमने पूरे जिले के CCTV फुटेज निकाले, क्योंकि बाहर ये तो ज्ञात हो रहा था कि कहीं बाहर का बदमाश है, तो हमने आने जाने वाले सभी रास्तों के फुटेज निकाले। और इसी कारण हमने सबसे ये अपील भी किया कि CCTV अधिक से अधिक संख्या में लगाएं, ताकि जब भी कुछ इस तरह की घटना हो या हम अपनी सुरक्षा के माकूल प्रबंध रखें, ताकि कोई भी अपील ना फिर से ना। ये 1 किलो 400 ग्राम के अतिरिक्त रुपये जब्त होने की संभावना है? उसके कुछ जगह थोड़े बेचा हुआ स्वीकार किया है, तो उस संबंध में अनुसंधान करें। हमने PR के बदमाशों को लिया है और हम उसे पूछताछ करते हैं। ठीक सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।